मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट सब हो गया है। ये देख, ये जो पेमेंट्स किए हैं वो, और ये है हमारी इनकमिंग सोर्सेस। चिराग, मैंने अश्विन भाई के लोन के बारे में सुना। तृप्ति भाभी का लोन टेन्योर आधा हो गया, ईएमआई भी डबल हो गया, फाट लगने वाली अगले महीने से। चिराग, तू कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? ज्यादा मतलब अपनी सारी सैलरी दे दूंगा, उससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ। नहीं यार, उतना भी काफी नहीं होगा। तुम लोग टेंशन मत लो, अब इस घर की यंगेस्ट अर्निंग मेंबर है ना, मेरा जो 25,000 का चेक है वो मेरा कंट्रीब्यूशन, और 3,000 का पेमेंट आना बचा है तो वो भी है। हैप्पी? क्या बात है राशि, इस घर की यंगेस्ट जिम्मेदार अर्निंग मेंबर बन गई है तू। बड़ी हो गई तू तो। हाँ तो अब तुम लोग कंट्रीब्यूट करो, और मैं नहीं करती मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब कमाती हो तो फिर क्यों नहीं, आफ्टर ऑल बात तो इस घर की है, राइट? कल इंस्पेक्शन है, एक दिन में डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रॉब्लम कैसे मैनेज करती है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्ते। आप सब जानते हैं कि कल इंस्पेक्शन है, सभी लोग उसी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे समय में आपने ये मुद्दा उठाया, अचानक से क्या हो गया? हमारी समझ से बाहर है। पुष्पा जी, हम सब कई सालों से स्कूल से जुड़े हुए, स्कूल के कामों के अलावा घर जाकर हमें दूसरे दिन की भी तैयारी करनी पड़ती है। संडे छुट्टी होती है, लेकिन हम सब टीचर्स को अगले हफ्ते की भी तैयारी करनी पड़ती है, और ऊपर से जब इलेक्शन और इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज आ जाती हैं, तो हम टीचर्स का बोझ और ज्यादा बढ़ जाता है। काम बहुत है और सैलरी बहुत कम। नहीं, हम मानते हैं कि हम ऐन मौके पर नाक दबा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? हम अगर ये सब ना करें तो हमारी मांगे कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि हमारी बातें कोई नहीं सुनता। देखिए, मैं आपकी बात समझती हूँ और काफी हद तक सहमत भी हूँ। टीचर्स का योगदान तो स्कूल में सबसे ज्यादा होता है। बच्चों का भविष्य गढ़ने में टीचर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। इसके टीचर्स के बिना तो स्कूल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और आप सभी लोग तो कई सालों से नानावटी स्कूल से जुड़े हुए हैं। नानावटी सर सारे स्टाफ मेंबर्स को अपना परिवार मानते हैं, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं ना? और उनका यही पर्सनल टच नानावटी स्कूल को बाकी सभी स्कूलों से अलग करता है। और रही बात आपकी सैलरी की, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोचिंग क्लासेस और ट्यूशंस के इस दौर में टीचर्स की सैलरी कम ही पड़ती है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके इस सैलरी वाले मुद्दे पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है, इसके लिए मैनेजमेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है, और कल स्कूल में इंस्पेक्शन है। नानावटी सर की तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में कल के कल इतना इंपॉर्टेंट निर्णय लेना हम लोगों के लिए कैसे संभव होगा, आप ही सोचिए। आप लोग स्कूल को यहां तक लेकर आए हैं, तो प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़े ऐसा कुछ मत कीजिएगा, एक बार इंस्पेक्शन हो जाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि दिवाली के बाद आपकी सैलरी बढ़ाने वाली बात पर मैनेजमेंट गंभीरता से विचार करेगा। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन ही प्रायोरिटी है तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। पुष्पा आंटी कितना कन्विंसिंगली अपना आर्ग्यूमेंट रखती हैं, इतनी आसानी से इतने एजुकेटेड लोगों को सब कुछ समझा दिया। नानावटी सर जैसे एक एक्सपीरियंस, स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान ने 11वीं पास को डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ तो बात होगी ना पुष्पा जी?
सच में यकीन ही नहीं होता है पुष्पा आंटी इतने बड़े स्कूल की डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है ना? इसलिए तो हम सब पुष्पा इम्पॉसिबल कहते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं बस आई रही हूँ। अभी के लिए तो मामला टल गया लगता है। इसके आगे भी सब अच्छा ही होगा, और आपने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, वेरी गुड। सैलरी बढ़ाने वाली बात करनी पड़ेगी नानावटी सर से, और इंस्पेक्शन के बाद इस बारे में निर्णय भी लेना पड़ेगा। मैंने खोखला वादा नहीं किया है। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप लोग प्लीज इंस्पेक्शन का काम देख लीजिएगा। डोंट वरी, यहाँ पे आई हैंडल एवरीथिंग, आप जाइए। थैंक यू। क्या हो गया ब्रो? ये तूने किया? हाँ। गर्मी है ना बाप के पैसे की, मैं निकालता हूं तेरी गर्मी सार। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे कमेंट करने की? हाँ साले, आज के बाद किसी लड़की को ऐसा कमेंट किया ना तो इससे बदतर हाल करूंगा। उसे इतना मारा है, ऐसा सबक सिखाया है कि आइंदा किसी लड़की को मैसेज भेजने से पहले हजार बार सोचेगा। क्या हुआ? वो तो बड़ी बात नहीं थी तो इसलिए नहीं बताया। इट्स फाइन। जो जो चाहती थी वो तो हो गया, अब क्या सोच रही है? दिलीप का फोन आया था, वो कह रहा था कि बेटी की शादी में पता चलता है कि समय कितनी जल्दी पसार जाता है, और कह रहा था कि मानसी और वसुंधरा पूछ रहे थे कि उसके और मेरे बीच में सुलह हुई कि नहीं, और ये भी कह रहा था कि वो चाहते हैं कि उसका व्यवहार हम सबसे अच्छा रहे। वैसे उसे अच्छा व्यवहार तो सबके साथ रखना ही चाहिए, और वो तुम लोगों को कितना अपना मानता है वो तो वही जाने, और तू उसे कितना माफ कर चुकी है ये तू जाने। ये तो मैं भी नहीं जानती। वो यहाँ रहता है, उसका व्यवहार बच्चों के साथ अच्छा है, इससे ज्यादा मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। पापा का लाख लाख धन्यवाद। कभी कभी अंधेरे में ज्यादा साफ दिखाई देता है, बिजली गई, लेकिन पापा ने मेरे घर को रोशनी से भर दिया।
चल अब सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट। जय अम्बे। जय अम्बे। थैंक यू। लाइट आ गई। सुबह उठते ही सबसे पहले लाइट का बिल भरा और लाइट आ गई। क्या अमेजिंग सर्विस है इनकी। थैंक गॉड, मेरा प्रेजेंटेशन का काम भी जल्दी हो जाएगा। मम्मी, तू जानती थी ना कि हम लोग भी टेरेस पर आने वाले हैं? हाँ, समझ तो गई थी, पर मैं देखना चाहती थी कि जो मैं सोचती हूँ वही तुम लोग भी सोचते हो या नहीं। अच्छा, कम से कम ये तो बता दे कि हमारा डिसीजन सही था या नहीं। बिल्कुल सही था। पास रहने के साथ 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 रहना क्या होता है ये तुम लोग समझ गए। चल, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। नाना बेटे सर के लिए डोनर की तलाश जारी है, जो कल बाहर वेट कर रहा है। मैं हॉस्पिटल से सीधा स्कूल चली जाऊंगी, उस पर आपको छोड़ देना। जय अम्बे। जय अम्बे। प्रार्थना, नाश्ता। नाना बेटे सर कहाँ है? सब ठीक तो है ना? उन्हें अंदर ले गए सर्जरी के लिए। क्यों, क्या हो गया अचानक से? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है पुष्पा जी। डोनर मिल गया? जी, द चेन इज कंप्लीट। सारे पेशेंट्स तैयार है टर्न बाय टर्न सर्जरी में जाने के लिए। इफ ऑल गोज वेल तो नानावटी सर जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो खुश होने का मौका है पुष्पा, ऐसे रो मत। ये कुछ के आंसू है मेरे सर, मेरे गुरु ठीक हो जाएंगे घोटे से के। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।